माता रानी की कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे, इसी की हम कामना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा की उपासना एवं प्रार्थना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना में भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, जिनमें माँ अम्बे जी की महिमा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती पाठ से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो आप सरल हिंदी में इस पाठ को पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नवार्ण मंत्र, कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद कुमकुम, चावल और फूल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। मान्यता है कि अगर 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो भगवती अति प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय माँ आनंदेश्वरी के बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अकेला और दुखी होकर जंगल में आता है। वह अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि उसके बच्चे सदाचारी हैं या दुराचारी। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ने से मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। वहीं दूसरा अध्याय कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में विजय दिलाता है। तीसरे अध्याय से शत्रु बाधा दूर होती है। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय 1। महर्षि ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मन्वंतर में चैत्र वंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे तो भी कोलाविधवंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविधवंशियों की संख्या में कम होने के पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्य के अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्वकाल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वो आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वो घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित उनसे क्यों प्रेम करता है।
वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे नी स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंड जी कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथायोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है, और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने कुल से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है, स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममताजनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक दो होते हैं, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही इन पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्रीहरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिस कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित हो बलपूर्वक खींचकर मोह में डल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवन, वो देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वो सभी कृपा कर मुझे से कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, वो देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा ये संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वो सब आप मुझसे सुनो, वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केतव नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो।
बाण, भुशंडी और परिद ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैंटब जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्रीहरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटब को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्म जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वो श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वो धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहां पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इति श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आपका हर सपना सच हो। धन्यवाद।